दोस्तों आज हम बात करेंगे अजमेर के ही एक नाचन बावड़ी जगह की, जहाँ के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किचन गार्डन लगा के कैसे गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और कुपोषित बच्चों को लाभ पहुंचा रही है। और दोस्तों सरकार का जो ये कॉन्सेप्ट है किचन गार्डन का, तो उससे कैसे इन लोगों को लाभ मिल रहा है और कैसे वो इनकी देखभाल कर रही है और इसके जरिए वो कैसे इन लोगों को बता पा रही है कि हरी सब्जियाँ खाना कितना जरूरी है। आपको पता है आंगनवाड़ी में किचन गार्डन लगा हुआ है, सब्जियां लगी हुई हैं, तो उसमें आप हेल्प करने जाते हो, इंदिरा जी की मदद करने जाते हो, क्या क्या मदद करते हो? नहीं मैडम, आती है सब्जी अभी इसमें, उनका मैडम का आटा बुलवा देते हैं, होटल दे कर देते हैं और सब्जी अब्जी हो जाती तो वैसे मैडम दे देती, बच्चों को भी ला के घुमा देते हैं। तो यही घर में सब्जी वाले तो सुनना और फायदा रहता है। आज इतने इतने महंगी सब्जी हो रही है, इतने पैसे हो या नहीं हो, लाया नहीं जा रहा अभी। तो जो आंगनवाड़ी से पोसार मिलता है वो भी आप खिलाते थे बच्ची को? दलिया हो गया, पाउच भी मिले मेरी बेटी को पानी में रात को घुमाने का। आपका लड़का तो अच्छा है, लड़का ठीक है या फिर वो भी कमजोर था? लड़का तो नहीं, पहले था जैसे मैडम जब वो प्रोग्राम रखी थी 7-8 दिन का वो पोषण, उनमें था थोड़ा बहुत, लेकिन वो खिलाने के बाद सही हो गया। अच्छा, मेरे 3 लड़कियाँ और ये 5वीं डिलीवरी है। पार्लर है, लौकी है, ऐसे बना के जाते दो चीज़ तो जाते, जैसे वो दाल आती है अलग अलग टाइप की, उनको तो बना बना के रोज ही खाते। पोसार भी मिलता है ना आंगनवाड़ी से? क्या क्या मिलता है? दलिया, खिचड़ी, उसमें मैडम ने जैसे फूल मांडा यहाँ पे जमीन में और हमारे अच्छे से गोद भराई के अच्छे से घर के भी निकलते, जैसे मैडम ने क्या क्या बताया आपको? जैसे ओढ़ना उड़ा दिया हमारा, माला पहरा दी मैडम ने, कोई भजन करवाया, फिर भजन करवा के उड़ दिए मैडम ने, एक नारियल दिया मैडम ने। और कुछ खाने पीने का भी बताया कुछ, कि क्या क्या खाना पीना चाहिए? तो आप अभी कर रहे हो, पानी कितनी बार पीते हो आप? पानी कितनी बार पा रही हूँ, लगाए पौधे होते हैं, मैं साफ सफाई करके जाती हूँ, जैसे कोई कचरा काटा होता है सफा कर देती हूँ। और ये गेट भी मैंने लगाया, अभी थोड़े 2-3 दिन से सरकार नहीं जो गेट नहीं लग पाया, तो आंगनबाड़ी बार घनी मस्त रहे ने, काई के वजह ने खेती बाड़ी में घनी सही कर जाती हूँ, सरकार नहीं। और आपको बाहर की सब्जियों में जो आप शहर से लाते हो उनमें और जो किचन गार्डन की सब्जियां उनमें कुछ फर्क लगता है क्या? फर्क तो लगता है, एक तो ताज़ा सब्जी खाते हैं तो उसका स्वाद तो रहता है, एक जो दुकान से भी लाते हैं लेकिन वो काफ़ी वैसे पड़ी रहती है तो टेस्ट नहीं आता है, ताज़ी सब्जी में आता है। और उसके अलावा कुछ फ़र्क जैसे दवाइयों का या फिर और भी कुछ जैसे खाद वाद का है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए? के लिए आरती कुपोषित बच्चों के लिए भी साग सब्जी बाई है, मैंने किचन गार्डन बनाया है ताकि इन लोगों को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को और कुपोषित बच्चों को यहाँ पे सब्जियाँ दे सकूँ और ये सब्जियाँ खा सकें यहाँ पे, ताकि इनके अति कुपोषित दूर हो, जो इनके खून की कमी है, वो एनीमिया की कमी है, दूर हो। सरकार ने चालू किया था कि आंगनबाड़ी में ही किचन गार्डन लगाया जाए ताकि महिलाओं को एनीमिया की कमी महसूस नहीं हो, उनके एनीमिया की खून की कमी ना हो। तो हम लोग आंगनबाड़ी में किचन गार्डन इसलिए लगाया है कि ताकि उन महिलाओं जो गरीब है उनको खाने के पैसे ना हो और वो उसको भरी सब्जियां हम दे सकें। मेरे गर्भवती महिलाएं 10 गर्भवती महिलाएं हैं, 6 धात्री महिलाएं, 2 अतिकुपोषित के बच्चे हैं। देखो अभी लग रही है, मेरे लौकी लग रही है, करेले लग रहे हैं, तोरू लगी हुई है, बैंगन में फूल आए थे लेकिन कीड़े लगने की वजह से वो खराब हो गए, अब वापस उनमें फूल आ रहे हैं। चुकंदर मैंने लगाए हैं, बूट लगाए हैं, मैं पक्का उन लोगों को मदद जरूर करूँगी, लोगों को चीज़ें मिले और मुझे बहुत खुश होंगी कि उन लोगों ने मेरे आर्थिक लगी हुई चीज़ें, उगी हुई चीज़ें उन्होंने खाई, मैं खुश हूँ इस बात से। हाँ, हमने मीटिंग रखी, उसमें हमने महिलाओं को कहा कि आप लोग भी अगर अपने घर पे तो जो भी जगह है थोड़ी सी जगह उनमें भी लगा सकते हो, गमलों में भी लगा सकते हो,
बाल्टी अगर टूटी हुई है उसमें भी लगा सकते हो हरी सब्जी। आप चाहो तो जो भी घर या आपके घर के पास में जो भी खुली जगह है उसको आप लगा सकते हो, और ये हरी सब्जियाँ लगाओ, अपने घर में लगाओगे तो बहुत फायदा रहेगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।